हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन। आज तो एक अपने टाइटल के लिए गाइस मिशन इंडोर्स बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 फॉर आर मी एवन। इस वीडियो में क्या आज रिव्यू वीडियो की, जैसे आपको पता है यस्टरडे मैंने एक इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी, तो भाई आज रिव्यू वीडियो। और यार अगर ओवरऑल हम रोम की बात करें, ठीक ठाक बढ़िया रोम मुझे लगी है, बट स्टिल थोड़ी चीज़ हम डिस्कस करेंगे टोटल रिव्यू वीडियो में। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले भाई अबाउट सेक्शन में चल लेते हैं। भाई इसका अबाउट फ़ोन एंड्रॉइड वर्जन ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एंड्रॉइड 11 है, और नीचे एंड्रॉइड सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा भाई 5 दिसंबर का, और करंट वर्जन भाई 4.9 जो एक्सटी मोरिका 248 प्रूफ प्लस बोट फोन हो गया है आपका। बस एक इसमें मुझे अब तक प्रॉब्लम लगी, वो थोड़ी मतलब नेविगेशन बार की इसमें दिक्कत है, बट उसका फिक्स है मॉड्यूल के लिए, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे तो देखो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हॉटस्पॉट ऐसा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, वाईफाई सब कुछ इधर आपका वर्किंग है, ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल डेटा हो गया, डार्क थीम लोकेशन सब कुछ जीपीएस में, कोई इसमें ऐसे मुझे मेजर प्रॉब्लम नहीं लगे। तो जो मेजर चीज़ें हैं ना यार, वो सारी इसमें वर्किंग है, कोई मेजर बग मुझे अभी तक इसमें नहीं देखा। और जो इसका आपको पता है क्यू स्टाइल से सब कुछ इसमें आपका फुली वर्किंग है, और आपका जैसे एक मिनट हाँ स्क्रीन कास्ट हो गया, सब कुछ फुली इधर आपका वर्किंग है, नाइट लाइट हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, हॉटस्पॉट में कोई दिक्कत नहीं है। और स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपको यूज़ करना है वो भी इधर आप यूज़ कर सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स भी यूज़ करना है, अगर स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स यूज़ करना वो भी कर सकते हो, बट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका स्टीरियो ऑडियो हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडिट में चल लेते हैं जो आपके क्यू स्टाइल्स है, और नीचे भाई आपका डायरेक्ट साउंड एंसर आ गया एक्सेट्रा, से सारी चीज़ें आपकी आ गई। स्टेटस बार तो ऊपर यहाँ पर पूरा आपका डन हो चुका है, इधर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें दिक्कत नहीं है। सो एक बार स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में चल लेते हैं। उससे पहले भाई आपका एक मिनट होम सेटिंग में चले जाते हैं, जो आपके लॉन्चर की सेटिंग तरह से आप कह सकते हो, जो भी इधर आपको कस्टमाइज़ करना है यहाँ पे आप कस्टमाइज़ इसमें कर सकते हो। होम सेटिंग्स हो गए यहाँ पे आपका, और अभी जिसमें चल लेते हैं यहाँ पे, ये तो सेम ही है यार। अब कैसे हम चलते हैं एक मिनट, ये भाई आपका स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स। क्लॉक में जो भी यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करना है कर सकते हो, क्लॉक हो गया, इधर आपका स्टाइल हो गया, और यहाँ पे आपका ग्रिड हो गया, और वॉलपेपर में जो भी यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करना है यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स यहाँ पे हो गया। अब हम गाइस चल लेते हैं जो इसके बेंचमार्क्स है गीकबेंच 5। ओवरऑल देखो मैंने जब इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई, जब मैंने बोला था रोम ठीक ठाक है, डिसेंट आप कह सकते हो, अगर आपको ऐसे डे ड्राइवर यूज़ करना है ठीक डिसेंट रोम है, कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब ठीक ठाक। अगर आपको ऐसे डेली इसको ऑप्ट करना है ऑप्ट इसको आप कर सकते हो। सिंगल स्कोर इसमें आपको 169 मिलता है, मल्टी जो आपका मल्टी स्कोर है वो इधर आपको मिल जाता है 970। ये आपके बेंचमार्क्स हो गए। सो अब हम चल लेते हैं भाई जो मैं इसका जो मैं लेटेस्ट इसमें यूज़ कर रहा हूँ 21.2 का फुली वर्किंग है, कोई मुझे बूट लूप कुछ ऐसा फेस नहीं हुआ, कोई रैंडम बूट्स मुझे इसमें फेस नहीं हुए वाइल इंस्टॉलिंग, और मतलब जैसे इंस्टॉल करने के बाद उसका कोई भी रैंडम बूट्स मुझे फेस नहीं हुए जबकि, और फुली वर्किंग है। अब तो मैं इसका जो 21.2 का वर्जन है फुली वर्किंग है। एक बार मैं इसका यहाँ पे कर लेना, जो आपका सेफ्टी नेट स्टेटस है वो भी इधर हम देख लेते हैं, ऑब्वियसली ट्रू ही जाएगा। सो बेसिक इंटरकिट भी यहाँ पे आपकी ट्रू है, सी ट्रू फॉर भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। बैंकिंग ऐप्स अगर आपको यूज़ करना है आपको पता ही है, यहाँ पे आपने जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको जो मेज हाइड मैनेजर है उसको यहाँ पे आपने रिनेम कर देना, और मेज हाइड का भी जो ऑप्शन है उसको आपने इधर इनेबल कर देना। ये सब कुछ करने के बाद आपके बैंकिंग ऐप्स भी यहाँ पे वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सी ट्रू फॉर भी पहले से डिफॉल्ट ट्रू है, बट हाँ अगर आपको मेज यूज़ करना है तब भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मेन बैंक ऐप्स हो गए, जब आपको मेज हाइड मैनेजर को रिनेम करना ही पड़ेगा। तो सब कुछ जैसे मैं पेटीएम सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। एक प्रॉब्लम वो भी आपको बताऊंगा। अब चल लेते हैं भाई हम सेटिंग्स में, और यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हॉटस्पॉट की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्टेड डिवाइस ये मुझे एक इसमें बहुत बढ़िया फीचर लगा है, ये डिसेंडेंट हेल्थ का, जैसे कितने कोविड के केसेस है अगर हम जैसे बात करें, जैसे कोविड-19 डाटा इन इंडिया देख सकते हो आप, टोटल केस क्रिटिकल केसेस, ये मुझे बहुत सही इसमें लगा ऑप्शन। जैसे अगर हमको रिफ्रेश करना है यहाँ से भी हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, देख सकते हो अपडेटिंग हो गया, अभी नो डेटा है वो, बट ये मुझे बहुत सही चीज़ लगी है। जो स्लीप जैसे नीचे हेल्थ ऑप्शन होगा, स्लीप नोटिफिकेशन, स्क्रीन ऑन नोटिफिकेशन, मतलब डिसेंडेंट हेल्थ है इन शॉर्ट अगर हम बोले, जैसे आपका कोविड-19 डेटा, स्लीप हेल्पर, आइस प्रोटेक्टर, ये इसमें आपको मिल जाता है, तो बहुत सी चीज़ लगी है मुझे। अभी ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है इधर, ये तो यहाँ पे सब कुछ आता है कितने केसेस है और कितने क्रिटिकल हैं इंडिया का, ये भी देख सकते हो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है यहाँ पे। सो एप्स नोटिफिकेशन, बैटरी वाले सेक्शन में चलते हैं। ओवरऑल बैटरी अगर बोलूँ तो ठीक ठाक है, बट लिटिल बिट थोड़ा यार रखूँ। अब देखो मेरा भी फ़ोन बहुत पुराना, तो मेरी ज़्यादा कोई आपको पता है मेरी बैटरी कैपेसिटी सिर्फ 3000 mAh की है, बट स्टिल मेरा तो बहुत पुराना है भाई ये एवन, तो बहुत कम ही होगी। बट मेरे अगर हम बात करूँ तो मुझे लिटिल बिट थोड़ी बैटरी यार कम लगी। अगर एस ओ टी की बात करें, जैसे समथिंग सिर्फ 3.5 से 4.5 घंटे का ही आपको एस ओ टी इसमें मिलेगा, 3.5 से 4.5 हाँ अगर हम बात करें, 3 to 4 आवर्स आपको ही मिलेगा, या 4.3 मतलब 4.5 घंटे का इसमें आपको एस ओ टी दिखेगा। नीचे बैटरी सेवर हो गया, इसको आप ऑन रखो डिसेंडेंट जो आइडल मैनेजर है,
ठीक है, ये रिकमेंडेड भी है। और नीचे आपका स्क्रीन यूसेज हो गया, बैटरी सेवर हो गया, जो भी यहाँ पे आपको सेट करना है, बट इसको ऑन जरूर रखना जो डिसेंडेंट का आइडल मैनेजर है। और यहाँ पे आपका एप्स नोटिफिकेशन, बैटरी, डिस्प्ले चलते हैं, जो भी ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे आपको सेट करने का सकते हो। डार्क थीम हो गया फुल, इधर आपका वर्किंग है, और नीचे नाइट लाइट भी यहाँ पे वर्किंग है। एडेप्टिव ब्राइटनेस डिसेबल ऑन रखना आपकी चॉइस है, डिफॉल्ट ऑफ रहेगा बट इसको ऑन कर देना। स्क्रीन टाइम आउट, फॉन्ट साइज, थंब यूआई, ये मुझे सही चीज़ लगी, दिस टॉगल विल एनेबल थंब यूआई एंड इंटरफेस डेट विल सूट योर यूसेज विद वन हैंड। तो ये मुझे बहुत सी फीचर लगा है बट करेंटली डिसेबल कर रखा भाई अपना, ठीक ही है। टैप टू वेक लॉक स्क्रीन, और नीचे आपका स्टाइल्स एंड ऐप, जैसे मुझे थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये तो फुल इधर आपका इसमें वर्किंग है। साउंड हो गया, साउंड में ज़्यादा कुछ नहीं हुई, आपको जो कस्टमाइज़ करना है अदर साउंड एंड वाइब्रेशन यहाँ पे इनेबल डिसेबल यहाँ पे आप कर सकते हो। हाँ, और जैसे अगर आपको इनेबल एक्सपेंड बटन इन वॉल्यूम पैनल, मतलब जैसे एक बार ये अगर आपको चाहिए कि और भी अगर आपको वॉल्यूम की जो सेटिंग्स है उसको चेंज करना तो कर सकते हो, बट इस ऑप्शन को आपको इनेबल करने का, फिर जाके वो जो एक्सपेंड बटन है इन वॉल्यूम पैनल, जब वो ये फीचर आएगा अगर, बट इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो ये आपका साउंड का हो गया, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या था, हाँ, रिज्यूम ऑडियो, पॉज ऑडियो, और नीचे आपका आ गया मी साउंड इनहेंसर। और स्टोरेज में चलते हैं, इसको स्टोरेज ज़्यादा कुछ नहीं, साउंड हो गया। प्राइवेसी में ये आप बहुत सी चीज़ लगी मुझे, डिसेंडेंट का गार्डियन है ये, इसको अगर आपको इनेबल करना आप कर सकते हो। फीचर्स ओवरऑल देखा जाए रोम के ठीक ठाक लगे हैं मुझे, डिसेंट फीचर्स है अगेन वही। और प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी में चलते हैं, ये आपको इसमें फिंगरप्रिंट मिलता है और इसमें आपको फेस अनलॉक मिलता है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो चलो ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें तो होनी चाहिए इसमें हैं, मतलब डेवलपर ने फेस अनलॉक को भी इंप्लीमेंट कर रखा है। तो ये तो आपकी चीज़ होगी, सिक्योरिटी, अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबिंग हो गया यहाँ पे आपका, और ओवरऑल ठीक ही है भाई। अभी तो मैंने इसको चार्जिंग पे लगा रखा था थोड़ा। सो सिक्योरिटी, अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी हो गया। नीचे आपका आप चलते हैं भाई हम सिस्टम में, उससे पहले एक्सेसिबिलिटी में आपको हाँ इधर आपको मिल जाएगा, एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप वो कैप्शन प्रेफरेंस चाहिए तो इधर भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये सपोर्टेड ऐप्स में ही वर्क करेगा, मतलब एक तरह से आपको लाइव कैप्शन की चाहिए तो ये आप इधर आपका वर्किंग होगा, बट सपोर्टेड ऐप में ही। मोर ऑप्शन जो भी यहाँ पे आई मीन कस्टमाइज़ करना है यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब चल लेते भाई सिस्टम में, सिस्टम में यहाँ पे गेस्चर्स, डेट, ये सारा वही है। और नीचे गेस्चर में, गेस्चर में जाने के बाद ये आपका आ गया। अब एक मिनट, सिस्टम नेविगेशन, अब देखो यार मैं आपको बताया मैं गेस्चर नेविगेशन यूज़ कर रहा हूँ, बट जो गेस्चर नेविगेशन के एजेस है, मतलब ये जो एजेस है ये इधर वर्किंग नहीं है, कॉज आपका इधर SWB वर्किंग है, जो आपके हार्डवेयर कीज़ है, तो उसकी वजह से वो वर्किंग नहीं है आपके जो गेस्चर नेविगेशन। तो उसके लिए भाई आपको पता है एक पैच आता है, मैं इसका जो मॉड्यूल है वो आपको फ्लैश करना, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको मैच के थ्रू फ्लैश कर लेना। फिर जो आपके फुल नेविगेशन है, आई मीन गेस्चर नेविगेशन है, जो उसके ये एजेस है, ये वाला तो जो होम की है वो तो इधर वर्किंग है, जो ये आपकी होम वाली की है, बट जो आपके एजेस है वो इधर वर्किंग नहीं है। तो उसके लिए वही मॉड्यूल है, उसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बट हाँ, अगर हम SWQ की बात करें, वो भी इधर वर्किंग आप दे सकते हो। तो वही बात है ना कि दोनों चीज़ें एक साथ वर्किंग है, तो एज इसलिए वर्किंग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोनों में से या तो आप SWQ यूज़ करो या तो आप गेस्चर नेविगेशन यूज़ करो, तो उस चीज़ के लिए आपको वो मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वो चीज़ इसमें अभी इंप्लीमेंट नहीं करेगी। जो मॉड्यूल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड में कर दूंगा। और तो सब कुछ यहाँ पे टू बटन अगर यूज़ करना है, बट सबसे पहले आपको मॉड्यूल फ्लैश करना ही पड़ेगा, क्योंकि एज आप दे सकते हो वर्किंग नहीं है, तो उसके लिए हमें SWQ फीडबैक पे जाना पड़ेगा। और तो नीचे आपका वही सारे गेस्चर इधर आपको मिल जाएंगे, स्किप, पावर मेन्यू, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, प्रिवेंट सिस्टम नोटिफिकेशन, एक्टिवेट द टॉर्च, और क्विक ओपन कैमरा, और स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, सारे आपको गेस्चर मिल जाएंगे। नीचे भी आपका बैकअप सारी चीज़ होगी, अलग से कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, बट स्टिल अगर हम UI इंटरफेस की बात करें सोरूम की, वो मुझे सबसे अच्छी और OP लेवल लगती है, जो भी मैं हमेशा कहता हूँ भाई। ये मैंने चीज़ मैंने पोको फोन में भी की थी कि पोको फोन के लिए भी ये अवेलेबल है, बट जो उसका UI इंटरफेस है वो भाई बहुत अच्छा और OP लेवल का है। अभी देख सकते हो फुली वर्किंग अच्छी है, कोई मेजर इसे मुझे कोई लैग वैग ऐसी चीज़ें नहीं दिखी, बट जो वो पैच है अगर वो पहले से डिफ़ॉल्ट आ जाता ना तो मज़ा आ जाता। जो मैं आपको सिस्टम नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, वो पहले से अगर ऐड कर देते, डेवलपर इंप्लीमेंट कर देते, तो हमें फिर वो जो मॉड्यूल का पैच है वो हमें फ्लैश नहीं करना पड़ता, जो मैं इसका मॉड्यूल है। बट अगर हम अब गाइस हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप, देखो बैटरी बैकअप जैसे मैंने बोला मुझे लिटिल बिट थोड़ा यार कम लगा, अप्रॉक्स 3.5-4 घंटे का ही आपको इसमें SOT मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें भाई, COD मैंने खेली थी इसमें, मीडियम ग्राफिक्स में मैंने COD रखी थी, और FPS को मैंने इस बार हाई पे रखा था, तो मुझे ओवरऑल ठीक ठाक लगा। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, ठीक है, बट स्टिल यार मैं रेकमेंड हमेशा भी यही कह रहा हूँ, अभी के लिए यार आप एंड्रॉयड 10 ही ओप्ट करो अगर आपको गेमिंग के लिए करनी है। एज ए डी ड्राइवर अगर आपको यूज़ करना है डिसेंडेंट ओएस, आप
ऑप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। जो मेजर देखी जाती है ना, कोई मेजर बग तो नहीं है इसमें, कोई ऐसा मेजर बग नहीं दिखा है डिसेंडेड रोम में फॉर आर्मियन बेस्ट एंड्रॉइड 11, कोई भी मेजर से हॉटस्पॉट ऐसा कुछ भी इसमें आपको दिक्कत नहीं है। हर चीज़ यार गेमिंग पे डिपेंड नहीं होती। हाँ, बैटरी तो थोड़ी अच्छी ऑब्वियसली होनी चाहिए रोम की, स्टिल ठीक है 3.5-4.5 घंटे का SOT। ओवरऑल देखा जाए ठीक तो नहीं, बट थोड़ा कम है यार, कम से कम 4.5-5 घंटे का SOD है फिर, चलो वो कह सकते हो आप ठीक है। बट यहाँ पे तो बैटरी बैकअप थोड़ा यार मुझे एवरेज लगा है, 3.5-4.5 घंटे का हम एवरेज ही कह सकते हैं। और सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया भाई, फुली इसको मैंने यूज़ करा, मेजर चीज़ कोई बग मुझे ऐसा नहीं दिखा, बस वही था वो जो सिस्टम नेविगेशन फुल नेविगेशन वाला, उसका चलो फिक्स है, मॉड्यूल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको मैच के थ्रू फ्लैश कर लेना, वो चीज़ यहाँ पे आपकी फिक्स हो जाएगी। और परफॉर्मेंस के लिए लिटिल बिट थोड़ा मुझे इसमें वाइल गेमिंग हल्का फुल्का भाई लैग प्लस FPS ड्रॉप दिखा था, 625 ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल हाँ हीटिंग का तो अब कोई सवाल नहीं है भाई, बट स्टिल लिटिल बिट FPS ड्रॉप और लैग मुझे भाई थोड़ा दिखा था जब मैंने सी अप्रॉक्स 1.5 घंटे मैंने खेली थी, फिर मैंने रोम को भी रिफ्लैश करा था सो इंस्टॉलेशन वीडियो बनाने के लिए। सो ओवरऑल देखा जाए एज ए डे ड्राइवर अगर आपको यूज़ करें डिसेंडेंट ओएस आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब सब कुछ सही है यार, स्मूथ है रोम, कोई लैग वैग कुछ नहीं है, वाइल क्रोम ऐसा कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, तो सब कुछ फुली इसमें आपका वर्किंग है। सो गाइस दैट्स ऑल, अगर वीडियो को लाइक करना दूलना, चैनल को वीडियो भी शेयर करना दूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक भी ऑल्सो डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक भी ऑल्सो डिस्क्रिप्शन टू, एंड इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस रोम ऑन योर मी एवन इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। सो गाइस फुल कंक्लूजन की बात करें, एज अ डे ड्राइवर इसको आप चूज कर सकते हो, बट आपके पास भाई और भी रादर अलग अलग रूम्स अवेलेबल, मैं कंपेयर नहीं कर रहा एज अ सजेशन दे रहा हूँ, और भी आपके पास अब बहुत सारी रूम्स अवेलेबल है, उनको भी आप चूज़ कर सकना करना तो कर सकते हो, बट डिसेंडेंट ओएस एज अ डे ड्राइवर ठीक चॉइस है, कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस मिलते हैं वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।